तो दोस्तों अब तक हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा है जहाँ पर गोकू और मांजिन बू के बीच में अभी भी लड़ाई जारी है, जहाँ पर गोकू भी हार नहीं मान रहा है और मांजिन बू भी लड़ते जा रहा है। गोकू के एक बड़े ब्लास्ट के साथ ही मांजिन बू के टुकड़े हो जाते हैं, जो कि सारे टुकड़े मिलकर एकत्रित होकर सीधा ही वार कर देते हैं गोकू के ऊपर, जहाँ गोकू मूर्छित होकर नीचे गिर जाता है, जहाँ उसका सुपर सैयन 3 लेवल नॉर्मल हो चुका है। ये देखकर वेजिटा उसकी मदद करने आता है, लेकिन वेजिटा को पता चल जाता है कि भाई ये गोकू कई आम सा गोकू तो है नहीं। जब से मैं इसको देख रहा हूँ तब से ये हमेशा अपने लेवल के ऊपर के लोगों के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो कभी नहीं हार मानता, जिस वजह से रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है वेजिटा के दिल में गोकू के लिए और हमारे दिल में वेजिटा के लिए। और अब युद्ध जारी है और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर इसका पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है जो यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। अब गोकू मारने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं मांजिन बू पीछे चला गया है और उसने एक बड़ा सा ब्लास्ट फेंक दिया है। इधर गोकू ने अपने दोनों हाथ पकड़कर उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि गोकू भी रोक नहीं पाता। ये देखकर वेजिटा भी शॉक में है, इधर मिस्टर सैटन भी उड़ रहे है, जहाँ अभी हंस रहा है मांजिन बू, लेकिन तभी आवाज आता है कामे हाँ, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट आ जाता है, जहाँ मांजिन बू उस ब्लास्ट को अपने दोनों हाथों से पलटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों हाथ ही जल चुके हैं। जहाँ गोकू बुरी तरह से थक चुका है, जो कहता भी है कि तुमने उसे कैसे मोड़ दिया, ये कैसे पॉसिबल है। अब गोकू कहता है बहुत हो गया है, मेरा कोई भी दाव काम में नहीं आ रहा है। अब वो जंप लगा देता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के फेस के ऊपर मुक्के लगा देते हैं, फिर लात, फिर मुक्का, फिर से एक लात। अब ये दोनों ही नहीं रुक रहे, पहले मुक्के से स्वागत, फिर लातों से स्वागत, फिर सिर से भी स्वागत करते हैं एक दूसरे का। जहाँ इतने लड़ाई में भी गोकू कामयाब होता है एक जोर का लात मारने में, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि मांजिन बू ने पैर पकड़ लिया है और गोकू को गोल गोल वो घुमाते जा रहा है, जहाँ पर इतना तेज घुमाता है मांजिन बू उसे और नीचे फेंक देता है, जो छोटी पहाड़ी के ऊपर टकरा कर गिर चुका है। अब जहाँ मांजिन बू लड़ने के लिए नीचे आ ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि खड्डे में से गोकू उठ खड़ा हुआ है और कंटिन्यू मांजिन बू के ऊपर हमला किए जा रहा है अपने चक्र वाले ब्लास्ट छोड़कर। जहाँ एक ब्लास्ट को मांजिन बू अपने पैरों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उतने ही देर में ऊपर से दूसरा ब्लास्ट आकर उसे जकड़ लेता है, जहाँ पर नीचे से एक ब्लास्ट उसे जकड़ रहा है, ऊपर से दूसरा, और गोकू फाइनली बहुत टाइम बाद हंसते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पर अभी मांजिन बू को लगने ही वाला होता है, उतने ही देर में गोकू नीचे से एक और ब्लास्ट फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि मांजिन बू ने वो सारे ब्लास्ट गोकू की तरफ फेंक दिए हैं, और एक जो अभी ब्लास्ट आ रहा है मांजिन बू की तरफ, वो उसने अपने एंटीना से घुमा दिया है। इधर अब मांजिन बू हंसता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो मांजिन बू को पता चलता है कि गोकू वहां पर है ही नहीं। जो ऊपर देखता है, ऊपर से गोकू आ रहा है, जो कि दोनों हाथों से उसे नीचे फेंक देता है मारकर। वो अभी थोड़ा सा पतंग बनकर हल्का होकर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उतने ही देर में गोकू ऊपर से आकर एक लात भी जड़ देता है। अब हम देखते हैं कि मांजिन बू को गाड़ दिया गया है और ऊपर सिर पर मांजिन बू के गोकू हाथ रखता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है ये, जो इस प्लैनेट के बाहर भी हमें देखने को मिलता है। अब सुप्रीम गाय कहते हैं कि हमारा ब्यूटीफुल ग्रह, उसने उसे तबाह कर दिया। जहाँ ओल्ड गाय कहते हैं चुप रहो, जहाँ पूरा ब्रह्मांड लगा है दाव पर तो बस भी करो, अगर उसके लिए हमारा प्लैनेट दाव पर लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम काइज है, हम कहीं पे भी जिंदा रह सकते हैं। इधर डेंडे कहता है शाबाश गोकू, ऐसे ही उसे मार डालो। अब गोकू उठता है और कंटिन्यू हाँफ रहा है, जहाँ पीछे से मांजिन बू का हाथ आता है, गोकू के पैर पकड़ता है और गोकू को सीधा ही नीचे घसीट लेता है, जहाँ गोकू को चोट भी आई है। अब मांजिन बू 2-3 बार आजू बाजू में पटक भी देता है गोकू को, जहाँ गोकू उठता है और कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो बू, मेरे उम्मीद से कई ज्यादा ताकतवर, मैं बू जो तुम्हारी मौत हूँ। ऐसी बात है तो कहने और करने में बहुत फर्क होता है, और ये तो कतई मत सोचना कि मैं घबरा गया हूँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मांजिन बू। अब दोनों ही गायब होते हैं और गोकू हावी पड़ता है मांजिन बू के ऊपर, जहाँ 2-4 पंच तो लगा ही देता है वो। जहाँ गोकू अब पूरी तरह से थक चुका है, वो पसीना पसीना हो रहा है। इधर मांजिन बू सीटी ही बजा रहा है इतना लगने के बाद भी। गोकू कहता है कि अब मेरे सारे हमले उस पर बेअसर साबित हो रहे हैं, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इधर वो मजाक उड़ा रहा है और इधर क्रिलिन बताता है यामचा को कि वो गोकू का मजाक उड़ा रहा है, और गोकू
को अब पूरी तरह से थक चुका है। जहां मांजिन बू दौड़ के आता है और बलून जैसा फूलने लगता है, तभी गोकू उसके ऊपर हमला करता है। तो हम देखते हैं कि वो अंदर से बाहर आ चुका है जो बाहर क्रिएट हो रहा है। अब गोकू ऊपर आ चुका है जो कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तो फेल ही हो रहा है। तभी वेजिटा इसे आवाज देता है, जहां गोकू कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बारी चाहिए तुम्हें, लेकिन अब कुछ टाइम और रुक जाओ वेजिटा, पहले मैं खेल लूँ उसके बाद। अब वेजिटा हंसता है और कहता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं उसके साथ लड़ूं। ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इन हालातों में मैं उसको कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वेजिटा कहता है, मुझे दिलासा मत दो कैकरोट, मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरा मुकाबला हो चुका है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे से ज्यादा ताकतवर है वो, और ये तुम भी जानते हो। जाओ उसे खत्म कर दो, तुम सुपर सैयन 3 हो, तुम में इतनी ताकत है कि तुम उसे खत्म कर सकते हो। जहाँ तुम में इतनी ताकत है कि जिससे तुम उसे तो खत्म कर ही सकते हो। अब गोकू कहता है, शायद मैं लड़ाई को खींचते रहा ताकि तुम्हें भी लड़ाई का मौका मिल सके। जहाँ वेजिटा चौंक चुका है और गोकू कहता है, ओफो मुझे ऐसा करना चाहिए था, अब मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वेजिटा पूछता है, कितना वक्त चाहिए? गोकू कहता है, 1 मिनट भी काफी होगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए बिना किसी परेशानी के। वेजिटा कहता है, इस लड़ाई में 1 मिनट तो बहुत लंबा होता है। अब इधर मांजिन बू डांस कर रहा है, जहाँ गोकू को गुस्सा आ रहा है। वेजिटा आता है और कहता है, कैकरोट तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा 1 मिनट तुम्हें मिल जाएगा, जो करना है कर लो। गोकू कहता है, वेजिटा तुम्हारी जान भी जा सकती है। वेजिटा कहता है, अगर मैं 1 मिनट भी नहीं लड़ सकता तो मुझे मर ही जाना चाहिए कैकरोट। गोकू कहता है, वेजिटा। वेजिटा कहता है, 60 सेकंड है तुम्हारे पास। वेजिटा कहता है, वो ठीक है, अब तुम्हारे पास 1 मिनट है। गोकू कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम पहले भी उसके साथ एक बार लड़ चुके हो, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। वेजिटा कहता है, ये बताओ हमारे पास और कोई चारा है कैकरोट, तुम उसे हराना चाहते हो या नहीं? गोकू कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ, तो क्यों ना हम इन बेकार बातों पर ध्यान देने के अलावा उसको खत्म करने के ऊपर ध्यान दे, और तुम कैकरोट मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। ठीक है वेजिटा, मैं तैयार हूँ, लेकिन बस एक शर्त पर, मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाओ, उसे तुम सिर्फ रोके रखो बस, तुम्हें उससे जीतना नहीं है, इसलिए तुम गुस्से में आकर खुद को नुकसान मत पहुंचाना। गोकू कहता है, तुम एक बार तो मर चुके हो, अगर तुम इस बार भी मर गए तो तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा, और फिर मैं तुम्हें वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा वेजिटा। वेजिटा उसकी तरफ देखता है, गोकू कहता है, जिंदा रहना, समझ गए ना? अब वेजिटा कहता है, शुक्रिया, पर मैं पहले ही मर चुका हूँ। वेजिटा कहता है, वेल मैं जा रहा हूँ, और वो सुपर सैयन बन जाता है। अब जैसे ही वेजिटा पहुँचता है उसके पास, वैसे ही इधर गोकू अपनी पावर भी एनहांस करने लगता है। अब वेजिटा एक बड़ा ब्लास्ट फेंकता है जिससे 2 टुकड़ों में बट जाता है मांजिन बू। अब वेजिटा रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू मारे जा रहा है ब्लास्ट के ऊपर ब्लास्ट। अब वेजिटा रुक ही नहीं रहा, कंटिन्यू ब्लास्ट चलाया जा रहा है। इधर मिस्टर सैटन कहते हैं कि कोई तो जला दो मुझे, चले। गोकू कहता है, बहुत अच्छे वेजिटा, अगर वो 1 मिनट भी टिक गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर वेजिटा कंटिन्यू ब्लास्ट किए जा रहा है, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं मांजिन बू के, वो सीधा ही वेजिटा के पीछे आकर बन जाता है मांजिन बू में, जो पीछे से आकर वेजिटा को मार ही देता है। अब नीचे खुद को बचा लेता है वेजिटा, लेकिन वो सामने देखता है तो मांजिन बू ने उसको एक लात भी जड़ दी है। अब वेजिटा दूर जाकर गिरने वाला होता है, उतने ही देर में पीछे से मांजिन बू आकर फिर से एक लात जड़ देता है, जहाँ पर मांजिन बू अपना सर पकड़कर उसके सर पर दे मारता है। अब ऑलमोस्ट नॉकआउट हो चुका है वेजिटा, जहाँ मांजिन बू हंस रहा है। इधर क्रिलिन सबको बता रहा है कि वेजिटा हार रहा है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अब वेजिटा उठने की कोशिश कर रहा है और खुद को जता रहा है कि बस थोड़ी देर और ही। अब वो चलकर आता है और कहता है, अब तुम्हारे हंसी पर तुम्हें रोना आएगा, चलो आ जाओ, किस बात पर इतना हंस रहे हो तुम? अब मांजिन बू वेजिटा को पास बुलाता है। अब वेजिटा को गुस्सा आता है, वो सुपर सैयन बनकर पहले पीछे से फिर आगे से मार ही देता है मांजिन बू को। अब वो तीसरी लात मारने जाता है, तभी मांजिन बू डॉच करता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है, जहाँ पर ये लोग चिल्लाते हैं कि वेजिटा उठो। अब मांजिन बू नीचे आ चुका है। अब मांजिन बू पीछे पलटकर गोकू की तरफ देखता है। गोकू कहता है, ओ नो, अभी तक मैं तैयार ही नहीं हूँ, और मांजिन बू चल के आ रहा है। अब वेजिटा उठ खड़ा होता है और आवाज देता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ इतनी जल्दी भाग रहे हो? वेजिटा हाँफ कर खड़े हो जाता है, तुम कोई योद्धा नहीं हो, तुम एक सिरफिरे हो जो खुद भी नहीं जानता वो क्या कर रहा है। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे, आओ मेरा सामना करो। तुम क्या गोकू और मुझसे डर रहे हो बेवकूफ, चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अब मांजिन बू उसकी तरफ आ रहा होता है, तभी वेजिटा आगे हाथ करता है और कहता है कि लो इसे संभालो बेवकूफ, और मांजिन बू अपने पेट में छेद कर लेता है जिससे
ब्लास्ट आर पार जाकर फट जाता है, जो अभी वेजिटा को कंटिन्यू मारे जा रहा है। अब वो रुकता ही नहीं है। जहाँ वेजिटा इधर मार खा रहा है, उधर गोकू कहता है शाबाश शाबाश, लगभग हो चुका है, अब बस कुछ देर और। लेकिन इधर वेजिटा ने बहुत ज्यादा मार खा ली है। जहाँ वो नीचे गिरने ही वाला होता है तो मांजिन बू उसके बाल पकड़ता है और एक जोर का ब्लास्ट उसके फेस पर ही दे मारता है। अब वेजिटा जहाँ पर गिरा है वहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो चुका है और वेजिटा हिल भी नहीं पा रहा और उसे बहुत ज्यादा चोटें भी आई है। जहाँ मांजिन बू पीछे देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है, तभी वेजिटा की आवाज आती है कि बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें बेवकूफ। जहाँ वेजिटा फाइनली उठकर ऊपर आ ही जाता है, जहाँ गोकू भी शॉक में है और मांजिन बू भी। तुमने क्या सोचा था हाँ, ऐसे छोटे से हमले से मैं घबरा जाऊंगा और मर जाऊंगा? जहाँ डर रहा है अब मांजिन बू, तुम कुछ नहीं हो, बस एक चालबाज हो, और मैं हूँ एक सेयन का राजकुमार जो कि एक बड़ा योद्धा भी हूँ, और वेजिटा सुपर सेयन बन चुका है। इधर क्रिलिन को पता चल जाता है कि वेजिटा के पास और एनर्जी नहीं है, वो मुसीबत में है। क्रिलिन कहता है ओफो गोकू इतना देर क्यों लगा रहा है, एक मिनट से ज्यादा पहले ही हो चुका है। जहाँ गोकू कह रहा है कि अब तक मुझे आराम मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ, मुझे और वक्त चाहिए, ये काफी नहीं है। अब वेजिटा गायब होकर पीछे से मारने की कोशिश करता है, जहाँ दोनों हाथ पकड़ लेता है मांजिन बू उसके। जहाँ दोनों ही एक दूसरे के हाथ रोक रहे हैं, कंटिन्यू रोके जा रहे हैं, दोनों की एनर्जी भी बढ़ चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा थोड़ा लूज हुआ और इधर मांजिन बू ने उसे एक लात मार दी है और वो अब दूर जाकर नीचे गिर ही रहा होता है। तभी मांजिन बू अपना हाथ दूर फेंक कर उसकी गर्दन ही पकड़ लेता है। वेजिटा दर्द से कपकपा रहा है। इधर गोकू कहता है वेजिटा नहीं। अब गोकू हील होने में बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन इधर आखिरी सांस गिन रहा है वेजिटा, जहाँ पर मांजिन बू बड़े मजे से मार रहा है वेजिटा को। आखिर ये वार कब तक झेल पाएगा वेजिटा, जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल ज़ी का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।